कनेक्ट हो जाते हैं, फिर अपनी बातचीत चालू करते हैं आज। लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे हम लोगों से। काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। आप लोग बताएंगे कैसा लग रहा है, लाइट वाइट सब ठीक है ना, जो भी दोस्त मिल देख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका भोजपुरी की बात निशांत के साथ में, और मैं हूं आप सबका निशांत उज्ज्वल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे और अनलॉक वन का मज़ा ले रहे होंगे। लेकिन एक ध्यान रखिए कि अभी केसेस डेली काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को इसमें जितना जब ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलने का काम है, ऐसे निकलने का मतलब नहीं है, क्योंकि केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। सरकार ने हमें जो छूट दी है उसका लाभ तो उठाएं, लेकिन काफ़ी सतर्कता के साथ जीवन जिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपको हमारा लाइव शो काफ़ी पसंद आ रहा है, और मुझे DM के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से, इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के बाहर के जो लोग हैं, जो भोजपुरी के श्रोता हैं, उनका लगातार मैसेजेस आ रहा है कि उन लोगों के काफ़ी पसंद आ रहा है शो। और ऐसे ही उम्मीद करता हूँ कि हर हफ्ते आप लोगों को मैं अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज से मिलाता रहूँगा। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने बात की थी अक्षरा सिंह से, भोजपुरी फिल्मों की नायिका अक्षरा सिंह से। उन्होंने बोले बहुत ही बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया था। और इस हफ्ते हमारे साथ होंगे लाइव चैट में भोजपुरी की बात निशांत के साथ में, भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार, भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े लोकप्रिय गायक जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भोजपुरी का नाम ऊंचा किया, पवन सिंह जी। तो मैं कनेक्ट करता हूँ पवन भैया को और फिर पवन भैया से बातचीत चालू करते हैं। पवन जी को रिक्वेस्ट भेजता हूँ मैं। रिक्वेस्ट भेजा है हम लोगों ने पवन जी को, और वो भी इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन होंगे तो उनको हमारा रिक्वेस्ट मिलेगा, फिर हम लोग बातचीत चालू करेंगे पवन जी से। कौन? वेटिंग फॉर पावर स्टार सब लोग लिख रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर पावर स्टार। अनंजय रघुराज जी आ गए हैं हम लोग के बीच, भोजपुरी फिल्मों के निर्माता, राइटर अजय नासिक, अभिषेक कुमार, माधव सिनेमा मोतिहारी के मालिक जी। भाई पवन भैया को ही बुला रहा हूँ, रितिका राज जी, मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजा है, और जैसे ही वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे हम लोग की बातचीत चालू हो जाएगी। पवन जी को फिर से रिक्वेस्ट। सहर आफसा जी आ गई हैं, मेहंदी लगा के रखना और घातक की हीरोइन। अभिया भैया नमस्कार, स्वागत है आपका पवन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोग को दिया है। थैंक यू मेरा भाई, बहुत अच्छे लग रहे हैं पवन भैया, आप मूछ उछ में एकदम चंदन दन लगा करके। थैंक यू भाई। पवन भैया ऐसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और भोजपुरी सिनेमा का ऐसा कोई श्रोता नहीं है जो आपको नहीं जानता हो, लेकिन दरअसल आप मेरे कार्यक्रम में आए हैं, और इस कार्यक्रम में एक सेगमेंट है कि हम लोग मैं अपने से इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने नजरिए से, तो मैं चाहता हूँ कि आपके बारे में कुछ लोगों को बताऊं, अगर आप इजाजत दे तो मैं बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमारे एकदम बिंदास। तो सब लोग हम लोग से जुड़ गए भैया, तो लोगों को बता, पवन सिंह जी आप सबों के पावर स्टार पवन सिंह जी आ चुके हैं, तो भोजपुरी इस गायकी को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले सरस्वती, माँ सरस्वती के पुत्र जिनके गले में साक्षात माँ सरस्वती का वास है, वो हमारे हैं पावर स्टार पवन सिंह जी। पवन जी ने अपने कैरियर की शुरुआत लंगली चुनरिया तोरे नाम से की, और फिर देवरावला सतावेला प्रतिज्ञा, तो अलनेखे कोनो जोर, गदर, सत्या, धड़कन, भोजपुरिया राजा, और
ना जाने कितने सैकड़ों सुपरहिट फिल्में दी। 20 सालों से अधिक से पवन जी भोजपुरी सिनेमा के गायकी के सशक्त हस्ताक्षर बने हुए हैं और वहीं 15 सालों से भोजपुरी सिनेमा में बतौर नायक राज कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं और दर्शकों के दिलों में भोजपुरिया दर्शकों के दिलों के धड़कन है। तो स्वागत है पवन जी। थैंक यू मेरा भाई। तो लॉकडाउन कैसा बीत रहा है भैया? मजा आ रहा है? ईयरफोन लगा ली तब बताओ थे। लगा ला लगा ला लगा ला। हेलो। हाँ भैया। हाँ आया, साउंड आया मेरा? वाह, खेसारी लाल यादव जी भी भैया जुड़ चुके हैं, वो प्रणाम भैया लिख रहे हैं आपको। अरे प्रणाम प्रणाम भाई मेरा। स्मृति सिन्हा जी जुड़ चुकी हैं, सुभी शर्मा जी, सहर आपसा जी, अनंजय रघुराज जी। जी सुभी शर्मा जी, सहर आपसा जी, अनंजय भाई हमारे प्रणाम। रजनीश मिश्रा जी देखते हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। अभय भैया भी जुड़ चुके हैं, अभय सिन्हा जी। भैया चरण स्पर्श। स्मृति सिन्हा जी भी जुड़ी हुई हैं। हाँ। प्रिंस दुबे जी हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म मलंग का गाना लिखा है। नमस्कार भाई। अभय भैया लिख रहे हैं पवन बाबू। अरे तो बड़े भैया हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बाबू ही लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पवन भैया, तो बचपन से ही आप संगीत की दुनिया में आ गए, फिर आप फिल्मों में आए और आज इतना बड़ा नाम है आपका, पूरा जग जानता है आपको। संगीत की सफल की शुरुआत कैसे हुई आपकी? कैसे आपने, आपको लगा कि, और पता कैसे चला कि अच्छा गाते हैं आप? मेरा ऐसा कोई ये नहीं था बचपन से कि मैं सिंगर ही बनूंगा, ऐसा कुछ ये नहीं है। लेकिन हमारे पापा जी नौकरी करते थे कलकत्ता पानी जहाज में, तो हमारा जन्म कलकत्ता में ही हुआ है। ओके। और जो भी, मतलब आदमी जब होश संभालता है तो पहला कक्षा में या दूसरी कक्षा में नाम लिखाइल हुई हमारा, उतना तो यादों नहीं के। हमसे पहले हमारे चाचा जी हमारे गावत रहन, अभी भी हमारे चाचा हमको सुनाने के लिए गाते हैं। हमारे चाचा हमारे गुरु हैं, वो सब कुछ है हमारे लिए, मनजीत सिंह जी। तो होता है ना कि हम बचपन में जब स्कूल जाते थे तो मुन्ना सिंह का गाना जैसे बजता था तो सुन लिया, याद हो गया। पढ़ने तो आता नहीं था तो हम गुनगुनाते थे, गुनाते हुए स्कूल जाते थे। तो होता क्या था ना, कभी कभी जैसे अगल बगल के लोग, एक और बच्चा गाता था okay. तो बैठा देते थे कि हाँ बाबू आज तुम गाओ, दोनों जन में कंपटीशन होगा, जो जीतेगा उसको 5 पैसा मिलेगा। ओके okay. वो 5 पैसा उस टाइम के लिए बहुत था, 5 पैसा मतलब सपना, बाप रे बाप। तो वैसे ही मतलब मैं गाता था, हमसे लोग गवाते थे। और हमारे चाचा जब झारखंड में गए थे, बिहार से झारखंड शो करने के लिए, और शो करके जब वो बंगाल आए घर पे, तो अगल बगल के लोग हमारे चाचा से बोले कि अजीर और भतीजावा बड़ा बढ़िया गावा था। ओके ठीक है। उसी दरमियान लोगों ने एक मंदिर में शो रख दिया, हमको गाना पढ़ने नहीं आता था, लेकिन जो भी याद था गाना, 2-2 लाइन 4 लाइन या 10 लाइन, वो मैंने गाना गाया। तो हमारे चाचा जी बताते हैं कि बेटा उसी दिन मुझे लग गया कि मेरा बेटा गाएगा। तो जब हम गांव आए तो वो अपना शिक्षा देना स्टार्ट कर दिए और हमने अपना मेहनत करना चालू किया। आज जो है वो आप लोगों का आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल भैया, नहीं आज तो हिस्ट्री है और आप गायकी अभिनय सब जगह आपका डंका बज रहा है और जबरदस्त रूप से आप भोजपुरी सिनेमा का जब भी नाम होगा तो पवन सिंह के बिना वो मतलब बेनाम होगा। भोजपुरी सिनेमा का जो चर्चा है, ये हमारे भोजपुरिया परिवार का आशीर्वाद है, ये हमारे ऑडियंस का दुलार है, सने है। मेरे में कुछ नहीं है, जो भी है, जो भी हूँ मैं अपने ऑडियंस का आशीर्वाद। चलिए आपकी मानता है भैया। भैया पवन भैया, हर फिल्म उद्योग तभी बड़ी बनती है जब वहां के सुपरस्टार इंडस्ट्री को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी वर्तमान में माननीय मनोज भैया, रवि भैया ने तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस लहा, वो लोग सलेमान हमेशा हम लोग के गार्जियन है। लेकिन अभी तीन लोग हैं जिनकी फिल्में, तीन गायक हैं जो सुपरस्टार हैं हमारे भोजपुरी सिनेमा के वर्तमान की, दिनेश भाई आप, दिनेश भैया आप हो गए, खेसारी लाल जी हो गए। तो आप ही लोगों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है इंडस्ट्री की, मतलब पूरा जो पीरल बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं, ताकत वो इंडस्ट्री के आप लोग हैं। तो आखिर भोजपुरी को जितना आगे बढ़ना चाहिए वो इंडस्ट्री नहीं बढ़ पा रही है, तो आखिर चूक कहाँ हो रही है? क्योंकि
जैसे होता क्या है कि आदमी जैसे ही किसी हीरो को साइन करता है तो निर्माता कंफर्म हो जाता है कि नहीं पिक्चर जब बड़ा हीरो आ गया तो हिट हो जाएगी, लेकिन क्योंकि जब निर्माता स्टार को लेकर फिल्म बनाता है तो वो फिल्म की सफलता को लेकर निश्चित हो जाता है। लेकिन अभी किसी भी सुपर स्टार की फिल्म में, आपकी हो या किसी की हो, जो मेरे नजरिए से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है तो कहाँ चूक हो रही है भैया? थिएटरों में तो बहुत ही बुरा स्थिति हो रहा है, चूक कहाँ हो रही है? देखिए क्या है ना भाई, अच्छी फिल्में बनेंगी वो चाहे हमारी हो या किसी की भी हो, अच्छी फिल्में बनेंगी तो बिल्कुल चलेंगी। और जहां तक आपका सवाल है उसमें भी कुछ सच्चाई है, और एक कलाकार के नाते क्या है कि हर बात आदमी बोल नहीं पाता है, बोलता भी नहीं है और मैं बोलूंगा भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग चाहेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग मिल बैठेंगे और आपस में चर्चा करेंगे कि हाँ भाई हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, आज भोजपुरी भाषा को समझने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले पूरे दुनिया में, मतलब बहुत गर्व होता है कि हमारे भाषा के सुनने वाला समझे वाला की संख्या जौन बा 40 करोड़ के करीब बा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, इतना होने के बावजूद हमारी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री में गिनती क्यों हो रही है? तो जबकि अगर देखा जाए तो बॉलीवुड की भी फिल्में इतिहास गवाह है, हिंदी फिल्म भी भोजपुरी के मतलब भोजपुरी का लैंग्वेज यूज करके इस्तेमाल, बिल्कुल इस्तेमाल करता है। दबंग में सलमान खान ने किया था, हिंदी फिल्में सुपरहिट रही हैं और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी। बिल्कुल, तो हम लोग से कहां चूक हो जाता भैया? तो हमनी के जौन बाप आज भोजपुरी भाषा से जे नइखे जुड़ल, जे हिंदी भाषा से बाबू भोजपुरी के प्लस करके फिल्म के हिट करा लेता, बम मार देता फिल्म। जैसे मान लीजिए आमिर खान की ही एक फिल्म थी, कौन सी, वो पीके, पीके, जी जी जी, इसमें आमिर खान साहब ने भी भोजपुरी बोला है, तो ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। और भोजपुरी फिल्म वो पूरे विश्व में बिजनेस किया कि नहीं? बिल्कुल, अले बाप, लेकिन मतलब बहुत बड़ी फिल्म है। हाँ, लेकिन आपने बहुत सही क्वेश्चन किया निशान जी कि हम लोग, हमनी के भाषा के बोले वाला इतना संख्या में होने के बावजूद भी हमारी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री क्यों है? तो जैसे हमारे बड़े भैया अभय भैया भी ऑनलाइन है, हम लोगों का ये कार्यक्रम देख रहे हैं। हमारे निशान भाई जो है वो हमारे इंडस्ट्री के स्तंभ हैं। और आपने जो नाम लिया वो सब हमारे भाई हैं, हम लोग एक परिवार हैं। और भी हमारे जितने भाई इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भगवान सबको आगे बढ़ाए, सबको सफलता दे, और हम सब आपस में बैठे कि हाँ एक पवन सिंह के ही बोलने से ही नहीं कुछ हो सकता है, अकेला आदमी क्या करेगा? ठीक है हम संघर्ष करेंगे, वो तो जीवन भर करेंगे, लेकिन हम सब भाई इस पे मिल बैठ के अगर बात करेंगे कि हाँ जी हम लोगों में कहाँ चूक है और कहाँ हम लोगों में कमी है कि हम लोग मतलब इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी हमारे इंडस्ट्री को लोग छोटी छोटी गिनती क्यों कर रहे हैं, तो आपस में बैठ के हम लोग अगर चर्चा करेंगे और उसका जो आंसर निकलेगा तो वो फल जो है ना वो हम लोगों को खाने में ज्यादा मीठा लगेगा। और सब बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल मतलब आप लोग बैठेंगे और इस पर जहाँ चूक है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे। पवन भैया, क्या बात है कि कुछ एक निर्माता को छोड़कर बाकी निर्माता एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म भोजपुरी में नहीं बनाते हैं? जो निर्माता बना भी रहे हैं उनका इस व्यवसाय के अलावा कोई दूसरा व्यवसाय है सो यहाँ टिके हैं। कई हिट फिल्म बनाने वाले निर्माता भी अब सक्रिय नहीं है, तो क्या कारण मानते हैं आप इसको? देखिए फिल्म लोग बनावता, फिल्म बनाता, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आपने क्या क्वेश्चन किया भाई प्लीज? मैंने किया भैया कि क्या बात है कि आखिर जो निर्माता आते हैं वो एक फिल्म बनाते हैं, माने आप ही के साथ या किसी हीरो के साथ, अब फिर दूसरा फिल्म नहीं बना पाते हैं, चल जाते हैं, जबकि क्या कहते हैं कि और जो निर्माता यहाँ टिके भी हैं उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा लेकिन आप खुद समझ लें, जो टिके उनका इस व्यवसाय के अलावा भी दूसरा व्यवसाय है, तो क्या बात है कि निर्माता सक्रिय नहीं रहते हैं, एक फिल्म बना के लोग चल जाते हैं? बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के निर्माता, निरवा रिक्शा वाला के निर्माता, अंक मीडिया वाले, आपके देवरा बड़ा सतावेला के निर्माता दिलीप जायसवाल जी, फिर रंगली चुनरिया के निर्माता जो लोग थे वो लोग,
ये अपना इवन आलोक भैया, रमाकांत जी, ये लोग इतने बड़े बड़े हिट फिल्म दिए, वो लोग अब सक्रिय नहीं, आखिर क्या कारण है? जो 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 आपने नाम लिया, जो जो फिल्मों का आपने नाम लिया, वो मुझे लग रहा है कि ये सब फिल्म जो जो आपने नाम लिया, कि सब सिल्वर जुबली है। जब भी गिनती हुई तो ये फिल्मन की गिनती हुई कि हाँ, मैंने हमारे भोजपुरी में हई हई फिल्म, इतना इतना बिल्कुल इतना 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 बड़ हिट फिल्म। और जो बिल्कुल जो भैया, बिल्कुल आपने नाम भी लिया, वो बहुत लोग अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे से मेहनत किए, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाए, बिल्कुल और सारे लोग आदरणीय हैं। सबको अगर जे जे हमके देख रहा बा, सबके प्रणाम। आप लोग जहां जी से भी हमके देख रहे बने, जा आशीर्वाद दीन जा। रही बात फिल्म बनावे के, तो जी से मान लीजिए कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम है जिसका नाम है अभय सिन्हा जी। जी पता नहीं कितना साल से पवन के लेके फिल्म बनावत हमें, कितना फिल्म बनाए, आज भी बना रहे हैं, आगे जी भी हम जी लोगों की प्लानिंग है कि हम लोग जी ये फिल्म करेंगे। जैसे हमारा हमारे आंखों के सामने मेरा राजकुमार, मेरा फूल जैसा भाई दिख रहा है जिसका नाम है निशांत उज्ज्वल। हाँ, ये मेरा भाई मुझे लेके फिल्म बना रहा है, बना चुका बिल्कुल है और बिल्कुल आगे बनाएगा भी। और बिल्कुल रहल बिल्कुल बात जौन तू कहला कि अयले या फिर चल गईले, तो मान ला कि भोजपुरी में हम एगो बात कहब कि केहू चाहे कि हम एक ताला पर से कूद जाए, आ कूद गई तब पाकी न गिरनी, आ पाकी में से जंप मंग तो चल गई 3 ताला पर, तब एजा कहाँ से रिपीट हुई भाई। आइए उसको समझिए, बढ़िया से गुनिए, क्या है हमारी इंडस्ट्री, कैसे क्या पैसा लगाऊंगा लगाऊंगा तो क्या आएगा, तब ना सक्सेस की हुई। अब मतलब चाहो कि आपका आई आई कहना है कि आईनी आईनी बक्सा में भर के, बोरा में भर के ले जाए कि हुका देला, तुम्हारी गिला स्टार्ट कर देला, अब फिल्म बना के चला मतलब झोला में घूमा फिल्म बनावे के पहले पूरा फिल्म लाइन के बारे में जाने के, तब तारा। बनावे फिल्म के, कि खाली हवा पानी ला लगा के ना बनावे के? बिल्कुल बढ़िया से समझ लीजिए, उसको जान लीजिए कि हाँ हम इतना लगा रहे हैं, इस हीरो की ये रिकवरी है, और इस हीरो की ये रिकवरी है, यही बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप पवन सिंह को लेके 1.5 करोड़ की फिल्म बनाए, 50 लाख डूब गया, हो जी सकता है कि आप 50 लाख की ही किसी किसी नए हीरो को लेके फिल्म बना दिए, वो 1.5 करोड़ का बिजनेस कर लिया, हाँ, मतलब आपके तो यहाँ सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट है। नसीब भी और ये भाग्य भी बहुत बड़ा मायने रखता है ब्रदर। ठीक ना, तो मेहनत सबको करना है, ये नहीं कि पवन सिंह साइन हो गए, फलाना साइन हो गए तो हम हिट ही हैं, नहीं, कभी भी उतना कॉन्फिडेंस जरूरत से ज्यादा नहीं, उतना ही रखिए जो एडजस्ट हो सके। ये नहीं कि हाँ हाँ जी हाँ हम साइन कर लेनी हमारे तो हिटे बा, नहीं, वो कॉन्फिडेंस घाटा दे सकता है। ओके मतलब फिल्म, अच्छा तो फिल्म बनाइए बनाने फिल्म के अच्छी लिए। तरह। ओके, पौन भैया, जो भी सितारे हैं हिंदी के, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, या जितने भी भाषा हम जानते हैं, बंगाली के, तमिल के, तेलुगु के, ये सब सितारे अपनी भाषा में फिल्मों का निर्माण करते हैं। आपको भी इंडस्ट्री में आए हुए 14-15 साल हो गए, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को छोड़कर कोई भी भोजपुरी सितारा भोजपुरी फिल्मों का निर्माण नहीं करता है, क्या कारण है? हाँ, दिनेश लाल यादव जी हमारे बहुत परम मित्र हैं, जी बहुत अच्छे दोस्त हैं और काफी समझदार इंसान जी हैं, हर चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। और उन्होंने फिल्म बनाने के लिए मतलब प्रोड्यूसर कैसे बने के बाद हम कैसे सफल होकर भाइयों के बहुत बढ़िया से समझ के अच्छा अच्छा फिल्म बना लें, बहुत बड़ हिट हिट फिल्म दे लें। आ देखो, जी बिल्कुल हम तो शुरू से कहा ये आईला कि हम पढ़ा लिखलना है हम। हाँ, ये बात है कि जब तक मैं जिस चीज को समझ नहीं लेता हूँ उस काम में मैं हाथ नहीं लगाता हूँ। हाँ, ये लॉकडाउन चल रहा है, मैंने एक अपना प्रोडक्शन कंपनी अभी खोला है, इस बैनर का नाम है मामा फिल्म्स। जी। लॉकडाउन जैसे खत्म हो, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है कि हाँ चलो हम के एक दूसरे फिल्म बनावे के चाहिए, एक दूसरे क्या मतलब ऑडियंस का आशीर्वाद रहेगा तो आदमी जिंदगी भर फिल्म बनाएगा। तो लॉकडाउन जैसे खत्म हुई तो हम भी एक फिल्म बनाई, ओके बिल्कुल, मतलब आप भी बनाएंगे फिल्म? बिल्कुल बिल्कुल बनाया जाएगा। बिल्कुल। पवन भैया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार, लेकिन एक गौर करने लायक बात यह है कि अभी जो इंडस्ट्री के रनिंग और सफल निर्देशक हैं, जैसे मंजुल हाँ ठाकुर जी, रजनीश मिश्रा जी, प्रेमांशु सिंह जी,
ये लोग के साथ आपकी फिल्में नहीं आ रही है, जबकि मंजुल ठाकुर जी की पहली फिल्म में आप थे भोजपुरिया दरोगा में, रजनीश मिश्रा जी के साथ आपने प्रतिज्ञा और एक दो फिल्में का संगीत उन्होंने आपकी किया है, और प्रेमांशु जी की भी जो पहली डेब्यू फिल्म थी भैया के साले रोने वाली, उसमें आपने काम किया था। ये तीनों निर्देशक बहुत अच्छा कर रहे हैं, इवन थिएटर के अलावा इनकी फिल्में यूट्यूब पर भी अच्छा व्यू कर रही है। आखिर क्या कारण है कि आप इन लोगों के साथ काम नहीं कर रहे हैं? कहीं इसलिए तो नहीं कि ये दूसरे हीरो के साथ काम करते हैं इसलिए आप काम नहीं करते? जैसे आपके डायरेक्टर सुजीत सिंह, जगदीश शर्मा और अरविंद चौबे के साथ आप लगातार काम करते हैं, तो क्या ये कोई कोई ग्रुपबाजी है क्या अपने इंडस्ट्री में कि फलानवा हीरो के साथ वो डायरेक्टर है तो हम ना काम करेंगे? नहीं जी, रजनीश ऐसा जी, कुछ मंजुल नहीं है। जी, क्या है, भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी एक हमारा एक छोटा सा परिवार है, और बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने नाम लिया मंजुल ठाकुर जी का, प्रिमांशु जी का, रजनीश मिश्रा जी का, ये लोग अच्छे इंसान के साथ साथ बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। और अरविंद चौबे जी हो गए जो आपने नाम लिया, सुजीत जी हो गए, जी और जी कौन सा नाम लिया आप, जगदीश शर्मा, ये लोग आपके परमानेंट डायरेक्टर हैं, आप जेपी इन लोगों के साथ शर्मा, लगातार काम कर रहे हैं। जेपी बास, सब लोग अच्छा डायरेक्टर बास। सबके साथ ही काम करे के मौका मिली तो सबके साथ आदमी काम करी। और ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रुप बाजी है। हाँ, कुछ लोग हैं, जैसे हमनी के 10 भाई के मिल के एक ठो परिवार बा, ओमे एक लोग जे ऐसन बा, दू लोग जे ऐसन बा कि हाँ बांट देता वही में कि हाँ, हो है तो हर ग्रुप है तो हर ग्रुप है, जबकि ये इस भ्रम को दूर किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपना एक छोटा सा परिवार है, सब कोई मेहनत करे, सबको भगवान फल दे, और ऐसा इसमें कोई ये नहीं है कि हमार ग्रुप बाजी में हाई डायरेक्टर बने हो डायरेक्टर बने, नहीं, सारे लोग अच्छे डायरेक्टर हैं और हम सब एक छोटा सा परिवार है। हम सबको मिलजुल के काम करना है, सबके साथ काम करना है। मतलब इन लोग के साथ भी आप काम करते हो, बहुत जल्दी दिखेंगे बिल्कुल, बहुत जल्दी रजनीश। प्रिमांशु जी से भी मैं स्टोरी सुना हूँ, रजनीश जी से भी मैं स्टोरी सुना हूँ, मंजुल ठाकुर जी के भी पास अच्छा अच्छा स्टोरी बा। हमारे पास ये देखिए बैक में बैठे हैं उनके परम मित्र, जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, ये भी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका नाम है छोटे बाबा। हाँ छोटे छोटे बाबा, जी, अरे बा छोटे बाबा बाबा जी, एक हाँ निशांत भाई कैसे हैं लाइव, छोटे बाबा? निशांत ठीक है ना? भाई नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हमेशा छोटे बाबा बोलते हैं कि भैया मंजुल ठाकुर जी के पास बहुत अच्छा स्टोरी है, हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। तो ये तीनों जन के पास जौन स्टोरी बाओ के, बस लॉकडाउन खत्म होके एकरा बाद हमनी के बैठल जाई, जौन अच्छा सब्जेक्ट होई ओपे काम हमनी के कईजे। बिल्कुल। मौन भैया, पंजाबी भाषा जो बा ओकर रीच पूरा देश में नहीं है, पंजाबी भाषा की रीच पूरे देश में नहीं है। पंजाबी भाषा मुश्किल से पंजाब, उसके बाद थोड़ा बहुत दिल्ली मुंबई में, और उसके बाद हर राज्य में बहुत कम उसका रीच। भोजपुरी भाषा देश के हर कोने कोने में भोजपुरी भाषा भाषी भारी मात्रा में है। भोजपुरी अकेले ऐसी रीजनल भाषा है जिसकी फिल्म हर देश के हर कोने में रिलीज होती है। लेकिन जब हम बात भोजपुरी संगीत की करते हैं तो भोजपुरी भाषा के श्रोता करोड़ों में है। भोजपुरी गाने और गायकों की लोकप्रियता पंजाबी गायकों से काफी कम है। इवन पंजाब के जो बड़े गायक हैं गुरु रंधावा जी, वो भी आपके दीवाने हैं, जबकि मेकिंग के मामले में भोजपुरी के गाने बहुत कमजोर होते हैं। तो भोजपुरी संगीत की ऊंचाई पंजाबी संगीत जैसी क्यों नहीं है? प्रयास तो होते रहते हैं, आपने भी बीच बीच में अच्छे गाने किए, लेकिन फिर भी भोजपुरी पर चोली भताल जवानी कमल मरद मौगी भौजी से दूर नहीं हो पा रही भोजपुरी संगीत, क्या कारण है? देखिए क्या है, कभी कभी कोनो चीज के टैग लग जाला। ऐसा नहीं है कि हाँ हम बचपन में गाना गाना नहीं सुने हैं कि चुली के पीछे क्या है, ठीक ना। ये गाना हम जब थोड़ा नासमझ थे या मूछ नहीं आया था प्रॉपर रूप से, उस टाइम भी हम लोग ये गाना सुन चुके हैं। तो और भी एक बात, जैसे हमारे बड़े भैया अभय भैया ही हैं जो इंडिया से बाहर हर देश में भोजपुरी का अवार्ड फंक्शन करा रहे हैं। जी, आदमी दुनिया के कोने में जाता है और जहां भी शूट करता है, या जैसे मान लीजिए कि आदमी घूम रहा है 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 के रेंज के अंदर, अगर एक दो भोजपुरी मिलता है, तो हम लोग ये सोचते हैं यार कि ऐसा कौन कोना बा जहां भोजपुरी भाषा के बोले वाला, समझे वाला, सुने वाला लोग नहीं थे।
ठीक ना। तो एक तो जैसे आपने पंजाबी सॉन्ग के बात कर ली है, आवाज आता ना प्रॉपर, मान आओ आओ तभी जी लीजिए कि गाना जिम में बज रहा है, वो शहर मुंबई हो या हमारे गांव का शहर आरा हो या बनारस हो, बलिया हो, गोरखपुर हो, लखनऊ हो, तो जरूरी नहीं है कि आरा में, गोरखपुर में, बनारस में गाना जिम में बजाता तो सबके समझ में आवता कि हाँ ये पंजाबी सॉन्ग बजाता तो एक आंसर का भली गाना के वर्ड का पास कैला सा। लेकिन न समझने के बाद भी लोग वो बीट सुनते हैं कि यार ये बीट अच्छा लग रहा है, बजाओ जिम में एनर्जी आएगा। तो ये सब गाना अब भोजपुरी जब ना बजेला, भोजपुरी अगर सुनाई भी दिया तो बाई चांस एक गाना आप लोगों के ही आशीर्वाद से, ऑडियंस के बिल्कुल आशीर्वाद से, बिल्कुल कभी कभी जी हम ही जिम में जाते हैं तो हम ही को देख के बजाने लगते हैं लोग, लॉलीपॉप लागे जी ले जी 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 तो सुन के अच्छा लगेला। और भोजपुरी में भी ऐसा होके के चाहे कि जेकरा समझ में भाषा आवे चाहे ना आवे, लेकिन भोजपुरी के गाना बजे। और ये आपने सही बोला कि ये चोली भतार, आप पता नहीं क्या क्या, दिस दैट फलाना ढिमका, इन सब चीजों से हम सबको उठना चाहिए ताकि जो भोजपुरी ना समझे वो भी बोले कि यार हाँ ये भोजपुरी है, भोजपुरी में भी गंदगी नहीं है, बगैर चोली प्रयास भतार करना का चाहिए सुनना भैया। बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। हम अगर 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 देखा जाए तो, अगर जैसे आप हैं, अभय भैया हैं, और भी हमारे इंडस्ट्री में जिसे सक्सेस, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसे वर्ल्ड वाइज हो गई, टीएफ हो गई, वेब म्यूजिक हो गया, आदि शक्ति जी भोजपुरी जी में आजकल छोले बा, जी जी यसे फिल्म हमारे बड़े भैया अभय भैया का चैनल है। तो इन जी जी सब ये सब लोग अगर कोशिश करी और चाहे कि नहीं यार भोजपुरी में कुछ चेंजेस लाया जाए, हाँ जहां तक हो सकेला हम जरूर कोशिश करीला कि हाँ भोजपुरी में कुछ चेंज होके या कुछ नया किया जाए, या कोई बोले कि हाँ यार चलो ठीक है भाषा समझ में नहीं आ रहा लेकिन गाना बजाओ अच्छा लग रहा है, नहीं, आपने लेकिन तो फिर भी प्रयास किया है, हाँ आपने प्रयास किया, कमलिया हिलाल ही आपका जो गाना है वो काफी लोकप्रिय भी हुआ और हाँ चला, लेकिन फिर उसके बाद आप ही कर देते हैं ना मीठे मीठे बैठे कमलिया, तो अब कहाँ एक बताइए, ग्रेड आप ले जाते हैं। अब बताइए, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हाँ एक एक पासिंग शॉट में चला गया, एक विवेक सिंह करके है मेरा भाई जो आगे आगे चला गया, उसने लिखा है कि पूजा बिना हवन के या भोजपुरी बिना पवन के। थैंक नहीं, वो तो सच्चाई है भैया, वो गलत नहीं यू, लिखा है, सही लिखा है। आम्रपाली जी भी थैंक यू लिख मेरा रही हैं, भाई। आम्रपाली आम्रपाली दुबे जी भी जुड़ गई हैं हम लोगों से। आम्रपाली जी भी नमस्कार लिख रही पंडित हैं कि पह जी, हाँ आम्रपाली जी भी लिख रही हैं कि पहले भोजपुरी के गाने हर हिंदी फिल्मों में होते थे और अभी भी होंगे, लोग एक ही तराजू से भोजपुरी को तोलने लगे हैं, इसलिए होता है, बिल्कुल मतलब एल्बम वल्बम से बहुत हानि होता एक ही तराजू में तोलने की एकदम जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल भोजपुरी के गाना हमेशा हिंदी फिल्म में यूज भइल बा बिल्कुल होता आगे भी हो, ठीक बिल्कुल बिल्कुल ना। तो पवन कमरिया भैया हिला बिल्कुल गाना जो हाँ आपने बताया, क्या है कि ज्यादा सीरियस टॉक करने से भी अच्छी, एक ज्यादा अच्छा ना कहल जाए, तनी हंसी मजाक ना ना होके बिल्कुल चाहिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल होके जिताए हाँ कमरिया हिला रही है, आ कमर हिली तो मीठा मीठा दर्द हो ही ना। लेकिन कहाँ इतना बड़ा वीडियो, कहाँ इतना बड़ा, बाप रे बाप, पवन सिंह का आप समझ लें आप, मैंने एक रिसर्च से मालूम किया है, गूगल के रिसर्च से, हाँ कि वो गाने देश के अलावा, जैसे जो कितना भी मिलियन गाना किसी का हो जाए, जो उस गाने का स्टैंडर्ड क्वालिटी का व्यूज हुआ है, वो विदेशों में, नीदरलैंड में, हॉलैंड में, जहां जहां भोजपुरी लोग बोलते हैं, मॉरिशस में सुनीमान ने, और हिंदी ऑडियंस ने उस गाने को लिखा, तो कहीं ना कहीं आप लोग का भी दायित्व है ऐसे। ठीक है, आप देखिए लोग गायक हैं, कलाकार हैं, आप लोग को बेहतर मालूम है, लेकिन मेरा जो क्या है प्रश्न ना था वो मैंने ब्रदर, बोला। ब्रदर भाई मेरा हाँ भैया निशान जी, जी 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 कमरिया हिला रही है इस गाने से, हमने जैसे आपने कैसे बोला कि इंडिया कमेंट में हमने पढ़ा, इंडिया के बाहर के भी लोग हाँ सुने कि वो दिस दैट जो भी है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल साउथ की फिल्में आप उठा के देख लीजिए, जी अमेरिका में शूट करें या लंदन में शूट करें, जी लेकिन अपना पोशाक, अपना मिट्टी, अपने मिट्टी की खुशबू वो लोग नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं तो जिंदगी में सब कोई आगे बढ़ल चाहेला,
हमने दिखाया कि हमारे पास ये भी है, कमरिया हिला रही है, वो भी क्वालिटी है। भोजपुरी फिल्म के भी शूटिंग भइल बा लंदन में, सिंगापुर में, विदेश में, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल विदेश के लोकेशन दिखा के हम गाना हिट करा ली या फिल्म हिट करा ली, ये कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल लिखे आज भी हमारा ऑडियंस ये चाहेला कि हाँ, हमारे भोजपुरी फिल्म में नरिया खपड़ा के घर देखे के मिले, हाँ, देसी चीज है, ठीक ना, माटी के घर देखे के मिले, तो ठीक है। कमरिया हिला रही है वो क्वालिटी अलग है, लेकिन मीठा मीठा पथे कमरिया जब ले, मान लग कि भोजपुरी गाना पर ठुमका ना लगी, या जब तक ले फाटल पर्दा ना लौकी, या माटी के भसल घर ना दिखे, तो फिर आनंद कैसे आई। बिल्कुल। मौन भैया, लॉलीपॉप लगेली भोजपुरी का एकमात्र ऐसा गाना है जो इंटरनेशनल हिट है। दुनिया के किसी कोने में हम जाते हैं तो लॉलीपॉप सुनाई देता है। मतलब मैं तो जहां जहां भी गया हूँ विदेशों में, बाल से लेकर के अच्छे जगह से लेकर, बॉलीवुड से लेकर के, और मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर के हॉल पॉप में इंटरनेशनल मतलब ये एक गाना है। हमें खुशी है कि आप ही वो शख्स हैं जो हमारे सामने है जिसने ये गाना गाया है। तो लॉलीपॉप जैसा इंटरनेशनल सॉन्ग गाने वाले सिंगर पवन जी ऐसा दूसरा गाना क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जितने भाई हमारे लाइव को देख रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम, सब भोजपुरिया परिवार के हम गोर छुए गोर लागत है नहीं। जी हाँ, जी आप लोग नाराज मत होइए जा, बीच 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 में उन लोग का भी कमेंट हम बताओ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जितने भाई, कौन भैया, लव यू मेरा भाई, प्रणाम, नमस्ते। बिल्कुल, एक तो लिख रहा है कि भाई जब चले पवन तो रोके कवन, एक से एक हाँ बारन सब भाई फैन सब। और पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं लोग, के पता नहीं ऑनलाइन बा भैया। चलो ठीक, बचे वाले देखा था तो भैया वो लॉलीपॉप का करिश्मा बिल्कुल दोबारा क्यों नहीं है आपके? बिल्कुल। देखिए क्या है ना, कभी कभी हम लोग तैयारी में बैठते हैं कि ब्रदर एक सब्जेक्ट है, इस पे बैठना है, और ये तो सियोर शॉट है, हाँ फाइनली हिट है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जी 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 वो चाहे फिल्म का सब्जेक्ट हो या गाने का मैटर हो, पता जी जी चलता है कि वो फिल्म रिलीज हुई तो कोई रिस्पांस नहीं मिला, वो गाना रिलीज हुआ तो कोई रिस्पांस नहीं मिला उतना खास। जी जी और हो सकता है कि हम अपने मुंबई रहे या आरा रहे, पटना रहे, दिल्ली रहे, कहीं भी आदमी रहे, हो सकता है कि हम घर से स्टूडियो के लिए चले, कि हम जा रहे हैं गाना गाने के लिए, और पता नहीं क्या रास्ते में दिख गया, और उसी पे हम राइटर को बोले यार जरा इस पे जरा एक गाना लिखो, तो फटाक से जल्दी बनाओ, कल बनाओ परसों गाता हूँ, कल बनाओ परसों गाता हूँ, तरसों रिलीज होगा होगा हो गया, और उसी दिन हिट भी हो जाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम अपने चीज की तैयारी करके बनाइए, जितना सफल हो जाए, ओके बिन okay. तैयारी करके भी कोनो चीज बहुत बड़ा हिट हो जाला। तो मतलब मान तैयारी चलता, लगे लॉलीपॉप लॉलीपॉप टाइप फिट देवे के फिर तैयारी में लगल बानी अपने के। ले, हमेशा हर कलाकार चाहता है कि हम जो हिट दिए हैं उससे ऊपर का हिट दें, लेकिन बिल्कुल कोनो चीज बनौला से ना बने, कभी कभी बन जाला। जी बन जाए, बिल्कुल भैया। एक आपकी निजी जिंदगी बहुत उतल पुतल रही है, मैं आपसे निजी तौर पर जुड़ा रहा हूँ जब से आप फिल्म लाइन में हैं, तब से मैं जुड़ा रहा हूं तो मैं जानता हूँ विवादों से भी आपकी जीवन भरी रही है। आपकी जिंदगी में शादी, प्यार, मोहब्बत की घटनाएं कई बार हुई हैं, कुछ दुखद रही है, कुछ कुछ सुखद रही है, कुछ सामाजिक हुई है, कुछ प्राइवेट रही है। फिर भी पवन सिंह इतने उतार चढ़ाव, वाद विवाद, परेशानियों के बाद भी इतना दम, इतना ताकत, हिम्मत कहाँ से लाते हैं कि इतने सच्चे सुर में गाना गाते हैं? कोई आदमी हो तो टूट कर बिखर जाए, क्या कहेंगे? जैसे देखिए अभी भी आप हंस रहे हैं आराम से इतने अच्छे सवाल पर भी, तो कहां से ये ताकत, दम, हौसला, हिम्मत लाते? ये बताइए, अब इतना अच्छा आपने सवाल किया, इतना अच्छा सवाल आप कर रहे हैं, रोने से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, रोने इससे तो नहीं, बढ़िया क्यों रोएंगे? क्यों रो, आपके दुश्मन आप क्यों रोएंगे? उसके समय निकालो, तो भैया कहां से लाते हैं ताकत? इतना ताकत मेरे में कोई ताकत नहीं है। मैं जीवन में 3-4 बार टूटा हूं, लेकिन एक बार जो टूटा था ना, जी तो भैया, मुझे लगा कि मैं झूठ नहीं पाऊंगा। मैंने
हमारे एक परम मित्र हैं जिनका नाम है दीपक सिंह जी, आप भी उनको जानते हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल या जो भी हमारे क्लोज दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि पवन सिंह जी ये जो आपका जीवन है ना, बाकी जो टूटा उसका कोई फर्क फर्क तो पड़ता है, लेकिन उस फर्क पड़ने को भी मैंने अपने ऑडियंस के दम पे बोला कि हटो यार, फिर से खड़ा करूंगा, अभी से खड़ा करूंगा, गया बीता सो भी अभी से चालू होगा। लेकिन एक बार जो टूटा था ना, तो मैंने बोला कि ब्रदर मैं एक्टिंग लाइन और संगीत लाइन छोड़ रहा हूं, हमसे नहीं हो पाएगा। तो उस भाई ने बोला कि ब्रदर ये आपका जीवन आपका नहीं है, तो प्लीज आप अपने आप को मजबूत बनाइए और सोचिए कि नहीं, ये जो मैं गाना गा रहा हूं ये अपने लिए नहीं गा रहा हूं, ये जो फिल्में कर रहा हूं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूं। हम जब फिल्म करते हैं तो हमार फिल्म देख के ऑडियंस, मैं हंसता हूं तो हंसता है, रोता हूं तो रोता है, इमोशनल होता हूं तो इमोशनल हो जाते हैं, फाइट करता हूं तो ताकत देते हैं कि भैया मार। तो आदमी टूटता है, ऐसा नहीं है, चोट हर किसी के जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में मिल ही जाता है, लेकिन हम सबसे बोलेंगे कि संघर्ष ही जीवन है, जिंदगी से कभी नहीं हार मानने का, संघर्ष करिए, मेहनत करिए, आशीर्वाद ऊपर वाले के हाथ में है, वो जरूर देंगे। और बिल्कुल हमारे बिल्कुल अंदर कोई ताकत नहीं है, आज मैं जो कुछ भी हूं अकेले हम मेहनत का के का कर, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। पवन सिंह ही पवन सिंह क्यों है, इसलिए है कि ऑडियंस हमको प्यार करता है, इसलिए मैं बोलता हूं कि भोजपुरी ऑडियंस मेरे लिए भगवान है। तो मेरे में कोई ताकत नहीं है, मैं जो कुछ भी हूं, जब भी टूटा हूं, टूट के खड़ा हुआ हूं, जब भी दिख रहा हूं, फिर से टाइट हो गया हूं, तो ये अपने ऑडियंस के दम पे, ठीक पवन भैया, ना। मूड सैलून मूड बन गया है तो ना? हाँ, मूड मूड तो मान लग काहे कि बनवे ना एगो करिए। गाना काफी आजकल गाना खूब चलल बा, तो अक्षर काजल जी गाना गाती हैं आपके लिए कि मैं पवन सिंह में जी बेटा जी मूड बनने में टाइम लगता, जी तो मूड बन गया है ना जी निशान जी, बिल्कुल भैया? विवादों की बात करें तो कोई भी पहले एक बात मेरा सुनिए, बोलिए मैं बोलिए। ये चाहता हूँ निशान जी, एक बार दिल हाँ से खुल के हंस दीजिए, इसके बाद सवाल जवाब होगा। बिल्कुल, बहुत हंस दिया, हंस दिया ना। बोला भैया कि कितना भी विवाद होता है आपके साथ पवन भैया, कितना भी विवाद होता है, आप कभी खुल के आके अपना पक्ष नहीं रखते हैं, क्या कारण है? मैं कभी भी जैसे कोई फिल्म कर रहा हूं, भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे कोई कॉमेडी आर्टिस्ट हो गया, बहुत सारी फिल्में देखता हूं, और वही आर्टिस्ट जब मेरे सामने आता है तो रिटेक रिटेक रिटेक, मैं बोलता हूं अरे यार तुम उस फिल्म में इतना बढ़िया काम कर रहे थे, क्यों इतना नर्वसा गए? वो बोलते हैं सब कि भैया पता नहीं आपके सामने क्या हो जाता है। मैं बोला यार मैं भी इंसान हूं, मैं भाग थोड़ी हूं खा जाऊंगा, करो खुल के काम करो। जितना नया कलाकार लोग आवेला तो हम अपने आप के बहुत नॉर्मल कर देला कि मैं कुछ नहीं हूं, आप लोग अच्छे से काम करिए। और अभी भी मैं भूल गया कि आपने क्या किया, बड़ा अच्छा दिमाग में वो एक बात आई रहा है, मैं फिर से एक लाइन खाली रिपीट करवा। भैया वही कि विवाद कुछ भी होता है आपका, मानिए कोई झगड़ा झंझट या आपके बारे में कोई कुछ बोलता है, तो आप अपना पक्ष नहीं रखते हैं, मतलब आप कुछ नहीं आके बोलते हैं, कोई आप आरोप लगाता है, केस करता है, मुकदमा करता है, तो आपका पक्ष नहीं आता हाँ, है। तो मेरा इसलिए नहीं आता है, मैं जितने दूर में अपना जीवन जीता हूं, वो 10 किलोमीटर का जीवन हो या 100 किलोमीटर का जीवन हो, मैं हमेशा से बोलते आता हूं जितनी नई जे भी नया एक्ट्रेस लोग हमारे साथे काम करेला, या जे भी जेन्युइन सुपर स्टार भी एक्ट्रेस लोग हमारे साथे काम करेला, जीवन में कभी कोई जैसे मान लीजिए हम ही हंस रहे हैं, पता नहीं क्या कान में सुनाई दे दिया कि दुखी हो गए,
तो या तो हम उनको समझा दें या मेरे पे बीत गया तो वो हमको समझा दे कि पवन जी दुखी मत होइए, जाने दीजिए, ये तो होते रहता है। तो मैं नहीं, मतलब हमेशा भैया से जैसे तो मैं आपके हमेशा ऊपर से जैसे कोई, हाँ बोलिए, सुन लीजिए पहले, पूरा हो जाने हाँ दीजिए। मैं जी जी हमेशा से एक बिल्कुल बात बिल्कुल, सबको बोलता हूँ, थैंक यू मेरा भाई, कि इंसान जब मिरर के सामने जाता है ना और खुद को जब देखता है, उस मिरर में दिखना चाहिए कि मैं क्या हूं, गलत हूं या सही हूं। ओके अगर मैं गलत हूं तो माइक लेके प्रचार करूंगा कि हाँ, बहुत बढ़िया बानी, हम कैसे हमके कोई दोषी ठहरा आदिल भैया। नहीं, हाँ रहिए, मिरर में खुद को देखिए तो पता चलना चाहिए कि पवन सिंह आप गलत हैं कि सही है। बाकी समय, वो बोलते हैं ना कि भगवान के लाठी में आवाज ना होला, तो समय सबको बता देगा कि हम क्या हैं, सामने वाला क्या है या कौन क्या है। बस बिल्कुल खुद को देखिए तो उस टाइम लगना चाहिए मैं क्या हूं, बाकी सफाई देने की क्या जरूरत है, हम किसको सफाई देंगे कि हम गलत हैं कि सही बिल्कुल हैं, भगवान पे बिल्कुल, छोड़ मतलब देते हैं। आपका आपका कहना है कि जो विवाद पर आप इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आपको मालूम होता है कि आप सही हैं और आप अपने आप को आईने में देखना देख के अपने आप को समझ लेते हैं, जरूरत नहीं समझते कि लोगों के बीच जाके उस बारे में देखिए बोले। क्या है कि हम भी इंसान हैं, जी गलत सही का डिसीजन ठीक है आदमी लेता है कि गलत, यार ये गलत है ये सही है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ भी नहीं कह सकता है यार मैं सही ही हूं, इसका मतलब हमें ईगो आ गया। नहीं, ईगो जी जी नहीं है, बस वो महसूस होना चाहिए कि हे प्रभु मैं गलत हूं कि सही हूं, अगर सही हूं तो हमको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं, हमको चुप ही रहने दीजिए, समय बता देगा हम क्या हैं कौन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, विवादों की बात करें तो नायिका रानी चटर्जी जी से भी आपका विवाद हुआ, लेकिन फिर एक अच्छा अरसे के बाद आप उनके साथ पल दे पल आपकी वापसी हुई, कई गाने में दिखे। अक्षरा जी के साथ भी आपका विवाद हुआ है, क्या हम आप दोनों की जोड़ी को फिर देख सकते हैं पल दे पल? जिंदगी में गलत फहमी किसी को हो जाता है, जो आपने फर्स्ट नाम लिया उनके लिए बोल रहा हूं, रानी जी जी चटर्जी जी के लिए, जी जी और कोई भी बच्चा हो, किसी की भी माँ माँ होती है, वो चाहे हमारी माँ हो, आपकी माँ हो, किसी जानवर की ही माँ क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल माँ माँ बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, अगर गार्जियन को अगर महसूस होता है कि नहीं ये गलत हो रहा है या गलत हो जाएगा या गलत होने वाला है, तो ये गलत फहमी जो था वो दूर हो गया, जबकि वो समय था कि हमने सोचा था कि जीवन में कभी काम नहीं करेंगे इनके साथ, ना मैं इनके सामने आऊंगा ना वो मेरे सामने आएंगे, लेकिन बिल्कुल गलत बिल्कुल फहमी दूर हो, महसूस हुआ कि नहीं पवन सही है। अब पवन सही है तो हम लोग बिल्कुल, हम कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग जीवन में कभी बात करेंगे, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बात बात भी किए, बात कर करते भी हैं, और हम लोग साथ में काम भी किए। बिल्कुल, दूसर नाम जो लेला है तो हाँ भैया ये नाम के आगे हम बस इतने ही बोल सकीला, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो कमेंट्स, क्योंकि और फर्स्ट एंड जो लास्ट हाँ एक ही बात बोलूंगा, भगवान सबका भला करे। बिल्कुल बिल्कुल भैया, पिछले 2 हफ्ते पहले खेसारी लाल यादव जी आए थे मेरे शो में, तो उन्होंने बोला कि उनकी फिल्में उड़ रही हैं, बाकी लोग की चले नहीं चले उनकी फिल्में उड़ रही हैं, खूब चल रही हैं, दौड़ रही हैं, क्या बोलेंगे आप? क्या कह रहा है, खेसारी लाल जी ने कहा मेरे इंटरव्यू में आए थे 2 हफ्ते पहले कि उनकी फिल्में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उड़ रही है, मतलब खूब जबरदस्त, मैं खूब चल रहा हूँ, मेरी ही फिल्में चल रही है, बाकी की चल नहीं चले, उस पर आप क्या कमेंट देते हैं? जाए तो केहू को फिल्म चले चाहे ना चले, हमारा भाई की फिल्म चला था ना, भगवान करें, बिल्कुल भगवान करें, खेसारी लाल यादव जी हमारे छोटे भाई हैं, उनको प्यार से हम लोग शत्रुघ्न बुलाते हैं, जी, और हमारे भाई की फिल्म जो है वो खूब चले, उड़े, छाए रहे, और एकदम मेरा भाई हमेशा गरजते रहे, ये एक बड़े भाई की दुआ है। वाह क्या और बात है कैसाल जी, आपके साथ साथ
हम लोग भी लाइन में लगे रहें। नहीं ठीक है भैया, खेसाल जी ने भी 2 हफ्ते पहले जो इंटरव्यू में आए थे तो काफी आपके बारे में बातचीत की, अब बोला कि पवन भैया मेरे बाप समान है, मुझसे बहुत सीनियर है, मैं बचपन से उनको काफी रेस्पेक्ट करता हूँ, ये सब बातें हुई थी। आगे सवालों में हम उसका जिक्र करेंगे। पवन भैया, भोजपुरी के जो स्टार्स हैं, जो स्पेशली जो गायक हैं, उनके गाने थोक के भाव में यूट्यूब पर आते हैं और लोगों को मुफ्त में ये देखने को मिलते हैं, तो दर्शक जब अपने चहेते स्टार्स को मुफ्त में देख ही लेंगे तो सिनेमा हॉल में क्यों जाएंगे, क्योंकि वही गाना होता है, वही संगीत होता है, वही हीरो, वही लुक, तो कहा ला जाए सिनेमा हॉल में, इसको कैसे संभाला जाए, कुछ बोलेंगे? आप लोग का उत्तरदायित्व बनता है क्योंकि आपके ऊपर भोजपुरी का पूरा दारोमदार है। निशांत जी, इसी के लिए मैंने बोला कि आप वाकई में भोजपुरी से प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं जो कुछ हूँ भोजपुरी के चलते हूँ, और मैं आप मुझे आज भी याद है कि आपकी पहली फिल्म के वक्त मैं मिला था और लंगली चुनरिया का मैं पीआरओ था, और मैंने स्टार्डम देखा था कि आरा में 20 किलोमीटर पहले से लोग आ रहे थे आपको देखने के लिए, विक्रमगंज में तो स्कॉर्पियो उठा दे लंसन, याद बा ना? याद है, हाँ, श्याम टॉकीज विक्रमगंज में गल नहीं जाता। ये जो अभी टीका देखा था ना? हाँ भैया। तो आज हम गई रही यहाँ गाना गावे, तो लाइट स्टूडियो में कटा हुआ था, तो हम सोच रहे हैं कि उतने देर में हम अपने बाबा का दर्शन कर लें। जी, जहां से मुझे लगता है जीवन में मतलब जब भी आदमी दर्शन करे जाला या मन में कुछ ये रहला, बाबा हमको ये आशीर्वाद दीजिए, तुम लगता है कि हाँ आशीर्वाद मिल गया, वो काम हो गया। तो हनुमानगढ़ी में हम लोग जा, हाँ हनुमानगढ़ी के बाबा के मंदिर में आज दर्शन भइल है। तो रास्ता में जात रहनी है जामनी के, तो नहीं होता है कि लोग रोक रोक के रोड पे ही गाड़ी रोक के प्रसाद बांटते हैं, तो हमको कोई पहचाना नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि ड्राइवर से ही गाड़ी रोको और शीशवा खोल के आधा हथवा बढ़ौनी है कि प्रसाद हमरो हथवा में आ जाए। तो बगल में एक ट्रैक्टर खड़ा रहा है और ट्रैक्टरवा पर दू गो लड़का बैठा यहाँ से 10-10 साल के 12-12 साल के, ट्रैक्टरवा के हंडलिया पर जो बैठा रहा कहता अरे साला पवन सिंह रे। हम कहे बस बेटा प्रसाद लेने दो, जाने दो, बड़ा अच्छा लगेला। अरे साला पवन सिंह रे, तो वो अरे साला वो गाली नहीं है, वो एक मोहब्बत है, वो एक प्यार है। हाँ। यही तो हमारे ऑडियंस का आशीर्वाद है। तो मतलब YouTube पर भी आप लोग आते रहेंगे तभी सिनेमा घर में आता रहेगा। हाँ। देखने के लिए। हेलो, ऐसा ऐसा नहीं है। हाँ। कभी कभी हम बतिया भुला जिला मर्जी, कितना बात दिमाग में रखल जाओ, बहुत सारा गाना अभी 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 हमके हनुमान चालीसा गावे के बाद तो उनसे बात खत्म हुई जाके हनुमान चालीसा गाइब हम। बहुत बढ़िया, ठीक ना? हाँ, तो एक बात जरूर हम कहेंगे, हम वैसे भी बहुत कम गाना गाते हैं जी, और निशांत जी हो गए, रत्नाकर जी हो गए, अभय भैया हो गए, हम जितने आर्टिस्ट हैं, हम जितने कलाकार भाई लोग हैं, हम सबसे निवेदन करब कि गाना तनी कम मात्रा में आवे, क्योंकि एल्बम के रूप में एल्बम के सॉन्ग और एल्बम के वीडियो अगर महीना में एक कलाकार के अगर महीना में 30 गो वीडियो देखे के मिले, 30 गो गाना सुने के मिले, तो थोड़ा सा ये पर हमने तनी विचार करे के चाहिए कि मार्केट में थोड़ा सा गाना आवे, सब कोई गाना गावे, हम भी गाएं, सब कोई गावे, लेकिन थोड़ा सा होकर मात्रा कम हो जाएगी चाहिए, ताकि फिल्म के लिए इंटरेस्ट जो है ना वो बरकरार रहे और हमारी ऑडियंस जो है वो लगे कि हाँ यार ये फिल्म आई है तो चलो इस फिल्म का कुछ अलग अंदाज देखते हैं। बिल्कुल भैया, एक प्रश्न जो दिल को मेरे बराबर झकझोलता है वो ये है कि आपका वो खेसारी लाल जी का एक विवाद का दौर चला है कि आपके फैन जिसको ना आप जानते हैं ना पहचानते हैं, वो इतने ज्यादा मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं सब कि खेसारी लाल को खुलेआम आपकी तुलना करके गाली देते हैं, तो वहीं खेसारी जी के फैन आपको खुलेआम गाली देते हैं। इस कार्यक्रम में भी लोग हम लोग बतिया रहे हैं तो कोनो कोनो गाली लिखत हुए हैं, बहुत बड़ा बात नहीं है। तो ये इन फैनों को ये हक किसने दिया, ये कौन सा पागलपन है कि एक दूसरे स्टार को गाली देते हैं, ये इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे जैसे आपने पीछे सवाल किया था हमारे भाई निशांत जी
जी कि इतना सारा विवाद हो गया पवन जी, लेकिन आप कभी भी खुल के सामने नहीं आते हैं कि जी जी मुझे इस मुद्दे का जवाब देना है, हाँ या बिल्कुल मैंने बिल्कुल कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने एक दिन सिर्फ उस काम के लिए मीडिया बुलाया कि हाँ जी आइए आप ना ना लोग कभी नहीं। बैठिए और सामने का भी पक्ष रखिए और मेरा भी पक्ष रखिए कि कौन सही और कौन गलत है। काम बिल्कुल मैंने कभी नहीं किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे बोला ना कि हमारा जिस मान लीजिए 100 लोगों का एक परिवार है, जी जी उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो जिनका यही काम है, अगर मैं कोई गाना गाऊं ए भैया तोहरे पर, अगर वो कोई गाना गाए ए भैया तोहरे पर, वो इसी चीज को मुद्दा बना के, एक तो देहे देहे चैनल हो गिल बा, एक जना बाणे उनका नाम हम ले बना, ठीक ना, वो होता है ना कि मुंह मुंह में बांस करना कि नहीं बोलो बोलो बोलो, तो बेटा सही में एक बात जान लेने, मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन वाकई में पवन सिंह हूं बेटा, मूड बनने में टाइम लगता है, अब मूड जाइ या बन जाइ तो फिर सोच लिया अपन हाल, इशारा ही समझ गए कि कर बोला था नहीं हम, ठीक ना। का उका कर इसका लो ये पर नहीं, इसका इसका काम क्या है, देखिए आई एक एक दो दिन हम गाड़ी में जब बैठी ला ना, जब गाड़ी हमारी रन होती है तो हम ना देखे वाला चीज भी हम देखी ला, तो एक जन है वो उनका यही काम है कि हाँ जी उकर उकर इंट्रोडक्शन देखा, नमस्कार प्रणाम आज मैं हूं हमारे चैनल में आपका स्वागत है, तो आज ये मुद्दा लेके हम आप लोगों के सामने बैठे हैं, फलानावा फिल्म का फलानावा गाने का, तो पहले आप लोगों से मैं बात कर लूं या मुद्दा रिपोर्ट ही बता दो, इतना मेहनत करके खून पसीना से पैसा कमा के जो प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, जो एक्टर काम जी करता है, जी जवन एक हीरो काम करेला तो 200 नहीं पता नहीं कितने घर का चूल्हा जलता है, बिल्कुल भैया, सिनेमा हॉल तक उसके स्टाफ तक लाखों लोगों का परिवार चलता है। और एक फिल्म बनेला, फिल्म रिलीज भइल ऊपर 1 घंटा बाद, 2-3 घंटा बाद इनके पास खाका आ जाता है, ये देखिए ना इस फिल्म के लिए ये उम्मीद थी, ये हो गया वो हो गया। अरे यार इस लॉकडाउन में, अब जैसे मान लीजिए किसी किसी सिंगर का गाना रिलीज हुआ, अब बताइए ना आप ये गाना रिलीज हुआ, इस गाने से ये उम्मीद था तो क्या होगा, हमारा भोजपुरी कहाँ जा रहा है, इस लॉकडाउन में गाने का ये व्यूवर होना चाहिए था नहीं हुआ, अब बताइए इसको लॉकडाउन में जो परिवार भूखे मर रहा है उसके लिए न्यूज बनाने के लिए इसके पास टाइम नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में गाने का व्यूज नहीं बढ़ रहा है उसके लिए इसको बहुत चिंता है। अरे यार इसका न्यूज बनाओ अपने जरिए, अगर किसी तुम्हारे अगल बगल कोई भूखे मर रहा है या कोई भूखे है उसके लिए न्यूज बताओ, ताकि हम सब कलाकारों के साथ सामने पहुंचे वो बात, चाहे पवन सिंह हो चाहे दिनेश लाल हो चाहे खेसारी लाल जी हो, जी ताकि हम सब भाई इकट्ठा होके हम लोग कोशिश करें कि चल चलो यार कम से कम हम सब भाइयों के वजह से उस घर में भोजन पहुंच गया, इसका न्यूज बनाओ। तो लॉकडाउन में गाना के व्यूज नहीं किया बड़ा, तो उनका बहुत तकलीफ है कि भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ा पीछे जाता, उनके उनसे हम मिले के चाहता नहीं, कब वो मिली है हमसे, उनका दर्शन करे के चाहता। वैसन लोग के जो फैन लोग गाली देवेला एक दूसरे को, का संदेश देव चाहते हैं? मैं यही चाहूंगा कि प्रभु हमारे ऑडियंस हमारे देवता आप लोग भगवान हैं, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री एक छोटा सा परिवार है, इस परिवार को आप लोग बांटिए नहीं, कोई कलाकार गाना गाता है चाहे दिनेश लाल जी हो चाहे खेसारी लाल जी हो चाहे पवन सिंह हो, अगर हम कोई गाना गाए तो जोड़ दे जोड़ कोई 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 लगा दे दिनेश लाल जी पे, कोई लगा दे खेसारी लाल जी पे, कोई खेसारी लाल जी गाना गाए तो उसको लगा दे पवन सिंह पे, उसको लगा दे दिनेश लाल यादव जी पे, तो ये बहुत गलत बात है। मैं हाथ जोड़ के अपने ऑडियंस से ये विनती कर रहा हूं कि किसी भी गाने को व्यक्ति विशेष रूप में ना उसको ले जाएं और उसको किसी किसी से जोड़े नहीं, गाने का एंजॉय करिए, न कि गाना कोई पवन सिंह पे गाता है ना दिनेश लाल जी पे गाता है ना कोई खेसारी लाल जी पे गाता है, पब्लिक के एंजॉय के लिए लोग गाना गाता है, हम लोग क्या है, हम लोग कल को गाना गाते थे दिनेश जी भी पवन सिंह भी खेसारी लाल जी भी, आज एक्टर बन गए हैं, बनाया ऑडियंस, बनाया
तो हम फिल्म गाना गा के हमने के एक्टर हो गए नहीं जा, तो हम लोग एक्टिंग करते हैं तो गाने में फिल्म में एक्शन रहता है, कॉमेडी रहता है, कहीं हमने के लड़का रही ला जा, कभी मोछ रख ली ला जा, कभी मोछ हट जाला, कभी लड़की बन जाई ला जा, किस लिए? कि हमारा ऑडियंस हंसे, हम हंसे तो हमारा ऑडियंस हंस दे, हम रो दे तो हमारा ऑडियंस रो दे, तो लोग बोलता है, तो हमारे इंडस्ट्री में चर्चा होता है कि भाई इस फिल्म में इस कलाकार ने अपने करेक्टर को ऐसा प्ले किया है कि जहां रो रहा है तो ऑडियंस रो दे रहा है, जहां हंस रहा है वहां ऑडियंस हंस दे रहा है। तो मैं आप सबसे विनती कर रहा हूं कि किसी भी गाने को किसी मतलब किसी से जोड़िए नहीं, इंजॉय करिए। अगर किसी के बारे में अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा क्यों बोलने का, क्या मिलने वाला है? नहीं अच्छा बोलिए तो बुरा भी मत बोलिए, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप ही भगवान। तो भाई जो भी फैन लोग हैं आप लोग एक दूसरे के किसी को गाली मत दीजिए, पवन भी यही बोलना है। पवन जी, जबकि आप लोग जब भी स्टार लोग मिलते हैं तो मैं देखता हूँ दूसरे से बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन देखने को मिलता है कि गाने से एक दूसरे पर टारगेट करके जाते हैं, गाते हैं आप लोग, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है कि हम लोग गाने से टारगेट करते हैं, गाना थोड़ी टारगेट होला, हम लोग मिलते हैं। लोग पब्लिक बोल रहा ना कि भाई गाना फलना गाना खेसाल जी पवन जी के लिए गा दिए, तो पवन जी उसके लिए गा दिए, तो फलनवा उसके लिए गा दिया, उस पर बोल रहा हूँ मैं गाने जो टारगेट। नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए मस्ती मिजाज में अगर जोड़ा जाए, अगर हमारा गाना सुन के ऑडियंस हंस दिया कि अरे यार ये लगता का मुद्दा है लगता, सामने वाला अगर गा दिया तो ऑडियंस बोले अरे यार ये तो लगा था कि उनके पर गाना हुआ बात, ये हंसी मजाक अगर हो तो आनंद आता है, लेकिन वो उनके गाली देता हमें, वो उनके गाली देता हमें, इससे क्या मिलने वाला है? नहीं, हम सब एक हैं, हमारा परिवार एक है, इतना 40 करोड़ संख्या में है, दो चार हजार लोग बेमतलब के काहे खाती उंगली करत रह जा कि ना हमने के हाउ हुनकर हमें हाउ हुनकर हमें, नहीं हम लोग एक है ब्रदर, हम लोग एक परिवार है, हम सब एक साथ मिलकर रहे तो आनंद आएगा, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। बिल्कुल फोन भैया, 1 घंटा होने वाला है तो 1 घंटा में हो सकता है कि लाइव चैट कट जाए, फिर से मुझे कनेक्ट करना पड़े, तो अगर कटेगा तो फिर से मैं कनेक्ट करूंगा, आप कहीं जाइएगा नहीं। और जो भी दर्शक लोग अभी 1400 लोग हम लोग को देख रहे हैं लाइव चैट में, वो लोग भी जुड़े रहेंगे। जय माता दी। फोन भैया, ये सबसे बड़ा मेरे शो का सबसे बड़ा व्यूअर्स है आज जो लाइव व्यूइंग है, जितने भी स्टार आए हैं सबसे अधिक लोग आप ही को देख रहे हैं। कौन भी आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, स्टार प्रचारक हैं, भोजपुरी सिनेमा के दो नायक भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन करके सांसद में हम लोग की आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो आप खुद को राजनीति में कहां देखते हैं? मनोज भैया हमारे बड़े भैया हैं जी, रवि भैया हमारे बड़े भैया हैं जी जी जी, आप सबके आशीर्वाद से हमारे लिए भी जो आपने बोला, समय समय की बात होती है, एक समय निकल गया, नहीं तो आज आपका भाई भी बैठा रहता उसी रूप में। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं उस समय रहा हूं साथ में। हाँ, आप भी थे साथ में, लेकिन जो चीज निकल गया उसके लिए अफसोस नहीं करने का, आगे बहुत समय है। ऑडियंस मतलब के खुद को आप भी खुद को सांसद के रूप में देखते हैं आगामी चुनावों में? ये तो आप सबके हाथ में है, ये हमारे ऑडियंस के हाथ में है। मान लीजिए कि गायक हमारा ऑडियंस बनाओ लें, अभिनेता हमारा ऑडियंस बनाओ लें, जी जी, अगर नेता बनाना होगा तो हमारा ऑडियंस ही बनाएगा और कोई नहीं। बिल्कुल। पवन भैया, आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, आपका पसंदीदा फिल्म कौन सा है? पवन सिंह का पसंदीदा फिल्म हो या गाना हो ब्रदर, अगर कोई भी गाना या फिल्म अगर सुपर हिट हो जाला ना, वो दिल के करीब हो जाला। ओके, तो कौन बा हुआ के? बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे हमार फिल्म बा सत्या फिल्म, गदर हो गई, माँ तुझे सलाम हो गई, जी जी, जय हिंद हो गई, पवन पुत्र है, तो बहुत सारी फिल्में हैं। भैया, तो ये हम लोग 25 सेकंड बचा है, फिर से हम लोग कनेक्ट होंगे और फिर आप जाइएगा नहीं कहीं, और जो भी दर्शक हम लोग को देख रहे हैं कहीं जाइएगा नहीं, अभी और एक से एक रोचक सवाल है, और पवन भैया का मूड काफी बन गया है, काफी मूड बन गया है।
भाई अभी और बात खाली 15-20 मिनट, तो अभी लाइव कटा था फिर हम लोग कनेक्ट।